सो अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आज हम आए हैं मिस्टर पीसी वाले के यहाँ। पहले मिलवा देते हैं पीसी के ओनर से आपको। सो भाई आपका नाम क्या है? भैया पीसी तैयार। ये है वो ग्राफिक कार्ड जो इस ओवरऑल पूरे पीसी में, ये हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। सो इस कैबिनेट को बहुत ही प्यार से और अच्छी, ये इस पीसी से इनको ये सारे इतने सारे काम करने हैं और यस डेफिनेटली ये इस पीसी से ये सारे वर्क कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कि आपको सिस्टम देखने में कैसा लग रहा है? लुक वाइज बहुत जबरदस्त लग रहा है, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो अपनी क्रिएटिविटी की शक्तियों को मद्देनजर रखते हुए तो मैंने ये पीसी बिल्ड करा लिया है, इस वजह से ताकि फूड ब्लॉगिंग की वीडियोस अच्छे से एडिट कर सकूं मैं। और यहाँ का ब्लॉग भी मैंने शूट किया था मिस्टर पीसी वाले के यहाँ से, मैंने ये पीसी बिल्ड करवाया, ब्लॉग शूट किया था, बहुत छोटी मोटी क्लिप्स थी। मेन बात यह कि जो इसमें वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो मिस्टर पीसी वाले के चैनल की मेन वीडियो है जो मैंने उनसे मांग के अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। सो थैंक यू फॉर डैट ऑल्सो मिस्टर पीसी वाले शदाब भाई। तो चलते हैं भाई पीसी की वीडियो देखते हैं पहले। तो आज हम आए हैं मिस्टर पीसी वाले के यहाँ पीसी बिल्ड कराने, चलिए जल्दी से वहीं चलते हैं। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, आपको 4-5 चैनल एक साथ रन करने हैं, आप गेमर हो, आपको गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, और आपका बजट है थोड़ा सा टाइट यानी कि 80-90K, सो ये पीसी सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो व्हाट्सएप भाई लोग, कैसे हैं आप सब? दिस इज मी निशादा खान एंड वेलकम बैक टू मिस्टर पीसी वाले। सो आज का जो हमारा पीसी है, ये जो लेने के लिए आए हैं वो लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन बाद में लूंगी, पहले बता देती हूँ ये जो पीसी है इसका बजट है लगभग, अब वेरी करता है 82-85 के बीच में वेरी करता है। सो कॉम्पोनेंट हम बाद में बताएंगे, पहले मिलवा देते हैं पीसी के ओनर से आपको। सो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद जैद और आप क्या करते हैं? ऑलरेडी एक फूड ब्लॉगिंग चैनल चल रहा है जेड फ्लेवर के नाम से। सो यस, आप अगर फूड होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा फूड पसंद है, या आप चाहते हो कि आप क्या करते हो, फूड ब्लॉगिंग करते हो ना, एक्सप्लोर करते हो लखनऊ, एक्सप्लोर करते हो, सो यू कैन चेक हर चैनल, इनके चैनल पे आप प्लीज जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आपके चैनल का नाम है जेड फ्लेवर, ZED Flavors। सो आप इनके चैनल पर जाना, देखना, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इनको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनके चैनल को। बात करें आपको इस पीसी से, बाकी यूट्यूब क्या करना है आपको? यूट्यूब भाई और चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, गेमिंग का भी और इसके अलावा वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स का और डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स का, तो उसके लिए हमने कहा कि इस तरह का थोड़ा हाई कॉन्फिगरेशन का पीसी। हाँ, तो ये इस पीसी से इनको ये सारे इतने सारे काम करने हैं और यस डेफिनेटली ये इस पीसी से ये सारे वर्क कर पाएंगे, बिकॉज कॉन्फिगरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और बजट ठीक है। मतलब ये है कि एक एवरेज आपको सारी चीज़ें ये करवा देगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें कॉम्पोनेंट हमने क्या क्या लगाए हैं। सो गाइस कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमने इसमें यूज़ किया है रैम, जो कि है किंगस्टन फ्यूरी की तरफ से आने वाली 3200 FSB की रैम हमने इसमें यूज़ की है। 16-16 की दो स्टिक इसमें यूज़ करी है। रैम दिखने में कैसी है ज़रूर अभी दिखा देंगे। रैम अगर NVMe की बात करें, NVMe हमने इसमें यूज़ की है 500 GB की किंगस्टन NV2 मॉडल, जिसकी अप टू स्पीड है 3500 MBPS और ये 3 ईयर्स की वारंटी के साथ आती है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमने इसमें यूज़ किया है राइजन 7 5700X, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर आता है। और अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड हमने इसमें यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B550MDS3HAC, जिसको वाईफाई और आपको ब्लूटूथ दोनों इसमें इनबिल्ड मिल जाते हैं। 4 RAM स्लॉट के साथ ये मदरबोर्ड आता है। ये इसका सीरियल नंबर रहा, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि भैया यहीं खड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं अगले कॉम्पोनेंट की, ये है हमारा लिक्विड कूलर, कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर हमने इसमें लगाया हुआ है। मास्टर लिक्विड 360L कोर वाइट कलर का लिक्विड कूलर है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये इसके तीनों फैन आपको ARGB मिल जाते हैं, ये हेडर में आपको एक ARGB मिल जाता है। बाकी दिखने में कैसा है लुक वाइज अभी आपको अंदर से ज़रूर दिखा देंगे। अब बात कर लेते हैं SMPS की, SMPS हमने इसमें यूज़ की है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली MWE 650W SMPS, जो कि 80+ ब्रॉन्ज है
और ये 5 ईयर वारंटी के साथ आती है। बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड जो हमने इसमें यूज किया है वो है Zotac गेमिंग की तरफ से आने वाला RTX 3060 ट्विन एज ग्राफिक्स, जो कि 12 GB का ग्राफिक कार्ड है और DDR6 बेस्ड है। और मैं आपको बताऊं, ग्राफिक कार्ड की वारंटी 2 ईयर होती है, बट Zotac ने ये एक एक्सटेंडेड वारंटी निकाल लगा के रखी है। ये देख लो आप, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको इसको रजिस्ट्रेशन कर लेते हो इसका, तो आपको वारंटी मिल जाती है 5 ईयर्स की। तो आप इसको अगर आप ले रहे हो तो इसको प्लीज रजिस्टर जरूर कर लेना। सो अगला कॉम्पोनेंट है हमारा कैबिनेट। कैबिनेट जो हमने इसमें यूज किया है, ये हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। सो इस कैबिनेट को बहुत ही प्यार से और अच्छी तरह से दिखाना। ये सर्कल की तरफ से आने वाली फ्यूरस 360 इसका मॉडल नंबर है। ये कैबिनेट है बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें टॉप पे आप 360 mm का लिक्विड कूलर इंस्टॉल करा सकते हो। ये सबसे ज्यादा अच्छी और बढ़िया बात है। और इसमें कलर ऑप्शन भी आपको 2 मिल जाते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। बात करें कैबिनेट के बारे में, तो आपको ये मेश डिजाइन फ्रंट में मिल जाता है, 3 ARGB फैन आपको मिल जाते हैं, बैक में आपको 1 ARGB फैन मिल जाता है, और टॉप पे आप 360 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं। बात करें आईओ पोर्ट्स की, तो ये रहे इसके आईओ पोर्ट जो साइड में दे रखे हैं। सिस्टम हमारा पूरा बिल्ड हो चुका है, तो सिस्टम अंदर से कैसा लग रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ। सिस्टम देखिए, ये लिक्विड कूलर हमारा 360 mm का लग चुका है। ये रहा इसका रेडिएटर, जो उसमें ARGB भी जल रही है। ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड में कोई ARGB नहीं है, भैया को ज्यादा ARGB का काम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पैसा वेस्ट नहीं किया है इस पे। ये आपकी रैम लगी हुई है, बाकी पूरा सिस्टम बिल्ड हो चुका है, चकाचक बढ़िया चल रहा है। बात करें केबल मैनेजमेंट की, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा बढ़िया हो रखा है हमेशा की तरह। तो अब बात कर लेते हैं, सारी चीजें हो गई, बिल्ड भी हो चुका है, बात कर लेते हैं भाई से कि इनको इनका सिस्टम कैसा लगा, बाय लुक और बाय परफॉर्मेंस इनको देखने के बाद ये सिस्टम कैसा लगा। सो भाई, सिस्टम हमारा बिल्ड हो चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कि आपको सिस्टम देखने में कैसा लग रहा है। लुक वाइज बहुत जबरदस्त लग रहा है, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और भाई की डिमांड वाइट थी, तो हमने ये कैबिनेट और लिक्विड कूलर वाइट कोलैब किया है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आपको देखने से, लग रहा होगा स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। सो परफॉर्मेंस आपने इसकी चेक की, आपने इसको भी चेक करा, चलाया है सिस्टम? अभी तो चेक नहीं किया है, अब हमारे पास घर पे है ना, थोड़ा ठीक है, स्क्रीन उसी पे चेक करेंगे हम। ओके, सो ये पीसी हमारा रेडी हो चुका है। आई होप आप इससे, आप अपने चैनल जो बना रहे हो, बढ़िया हिट हो आपके चैनल जल्दी जल्दी। आई होप आप इससे अच्छे अच्छे काम करो। बाय बाय। भैया पीसी तैयार, ये है वो ग्राफिक कार्ड जो इस ओवरऑल पूरे पीसी में सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली कंपोनेंट है।